Hi everyone, assalamu alaikum, it's me Nishu. If you are new, welcome. Assalamu alaikum, adab, tashakkur for joining my YouTube channel. Pehle subscribe, like and share. बहुत कुछ बोल दिया नहीं पहली बारी में ही, पर कर लो कोई ना प्यार. सो आज आई वॉज थिंकिंग कि बच्चे वैसे ही स्कूल जा चुके हैं, तो आप लोगों को मैं अपना मॉर्निंग विंटर मॉर्निंग रूटीन दिखा दूँ कि मैं क्या करती हूँ बच्चों के जाने के बाद स्कूल खुल चुके हैं. सो इतना कुछ खास तो नहीं है. एंड आई नो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, बट आई एम इंटरेस्टेड. आई थॉट कि मैं वेली हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊँ कि मैं करती क्या हूँ पूरा दिन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है और जिनके बच्चे हैं दे नो द स्ट्रगल इज रियल. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फिल्टर बहुत अच्छा है. आई लुक सो प्रीटी. इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में कभी. सो दिन का आगाज़ होता है मेरे एक ग्लास गर्म पानी के साथ, जिसमें मैं चिया सीड और सिदर हनी यूज़ करती हूँ, जो कि सिंपली प्योर का है. और चिया सीड ये आपको मिल जाएगा चिल्तन प्योर से. चिया सीड के और हनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सुबह में एक ग्लास गर्म पानी में लेने से. मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, कैल्शियम की कमी है तो भी आप चिया सीड ले सकते हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बहुत थकावट फील होती है तो चिया सीड जो है बेहतरीन सोर्स है थकावट रिमूव करने के लिए. सो शहद के कितने सारे फ़वाद हैं हर किसी को पता है. मैं सुबह में एक टेबल स्पून हनी और एक टेबल स्पून चिया सीड गर्म पानी में ऐड करके पीती हूँ. ये वाला स्पॉट मेरा फेवरेट है हमेशा. मैं वीडियोज़ एडिट करते हुए भी यहाँ आके बैठ जाती हूँ, और थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना हो तो भी यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ. सो इसको आप नाश्ते से एक घंटा पहले पी सकते हो. बहुत सारे फ़वाद हैं, गूगल करके देख लीजिएगा. नताशा वकास की वजह से मैं ये ले रही हूँ आजकल. सो अनाबिया ठीक ठाक आराम से उठती है. मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं शावर ले लूँ, अगर बाल ना धोने हो तो बॉडी वॉश ज़रूर कर लूँ, क्योंकि इसकी वजह से आई फील रियली फ्रेश और मेरी नींद जो है वो उठ जाती है. सो यू गाइज़ नो कि आजकल बच्चों की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो करूं. तो आई थॉट कि आज फेशियल कर लेते हैं. गो फॉर ग्लो का मैंने मैनी पैडी जो है वो वीडियो प्रॉपर बना चुकी हूँ, उसकी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स थे वो. सो आई थॉट कि हम अब आज गो फॉर ग्लो का फेशियल ट्राई करते हैं. सो ड्रेस हो गया चेंज, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो मिलके फेशियल करते हैं. अपने अपने जो फेशियल किट्स हैं आपके पास वो निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो ट्राई द गो फॉर ग्लो का फेशियल किट. मेरी तरफ से रिकमेंडेड, इट इज़ सो 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 फ्रिकिंग गुड. आई हैव यूज्ड इट 3 बार और तीनों बार जो है मुझे बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं. गो फॉर ग्लो के फुल टोटल जो है वो 6 स्टेप्स हैं. 7वां जो है वो क्रीम है, जो कि एज अ सनस्क्रीन भी आप लगा सकते हो अपनी स्किन पर. इट सेज वाइटनिंग, बट इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ब्लीचिंग पार्टिकल्स कोई भी नहीं है इसमें, और कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं है. नेचुरल है एंड इट इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है फेस वॉश, जिसको मैं ट्रस्ट मी आजकल रोज़ाना यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ कॉल्ड प्योरीफाइंग फेस वॉश. वैसे तो ये फेशियल का फर्स्ट स्टेप है, बट आप इसको सुबह और रात में भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस को वॉश करने के लिए. फेस को थोड़ा सा गीला करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपनी स्किन पर मसाज करके फिर वॉश कर देना. सो इसकी जेल फॉर्म कंसिस्टेंसी की वजह से आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती. सेंसिटिव स्किन के लिए तो बेहतरीन है. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही कम फेस वॉश मेरी स्किन सूट करते हैं. ये वाला बेस्ट है मेरी तरफ से, रिकमेंडेड. 100% नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन पर से तमाम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, और आपकी स्किन बिल्कुल टाइट और ड्राई फील तो बिल्कुल भी नहीं होती धोने के बाद. आपकी स्किन जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती इस फेस वॉश को या इस फेशियल को यूज़ करने के बाद. बहुत ही ग्लोई इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और फील ऐसा ही होता है जैसे आपने सैलून से फेशियल कराया हो महंगे वाला. तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप घर में भी कर सकते हो. तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये आप डेली यूज़ कर सकते हो. सिर्फ स्क्रब और मास्क आपने हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है. तो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो है इनका फेशियल क्लिंजर. बेहतरीन, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना अच्छा है. इसकी पैकेजिंग, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी सेंट से लेकर इसके रिजल्ट तक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है. अगर आपने मेकअप रिमूव कर लिया है और थोड़ा बहुत रह भी गया है तो ये आपके मेकअप को रिमूव भी करेगा जेंटली. देखिए भाई, लड़कियां सालों साल सनब्लॉक वगैरह नहीं लगाती, स्किन पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और एज स्पॉट्स हो जाते हैं. तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप इसको रात को हमेशा यूज़ करो, ठीक है, रात को, और आप देखना आपकी स्किन पर अच्छे रिजल्ट्स आने हैं इससे. इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी है,
इसमें मौजूद मल्टी विटामिन्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल आपकी स्किन की अपीयरेंस को इन्हांस करता है, आपकी स्किन को क्लियर और रेडियंट बनाता है। एंड मज़े के बाद फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर, सो इसकी जो अपनी सेंट है वो बहुत ही मज़े की है। सो इसको मसाज करने के बाद या तो आप इसको वेट कॉटन पैड से रिमूव कर लें, या किसी वेट क्लोथ से रिमूव कर लें, या इसको वॉश आउट कर लें। सैलून वगैरह में जो है स्किन ब्लीचिंग होती है, जिससे एकदम से आप लोग कहते हो कि वाह भाई क्या रिज़ल्ट है, लेकिन स्किन ब्लीचिंग के बगैर भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। थर्ड स्टेप है इनका फेस स्क्रब। स्किन को एक्सफोलिएट करना या डेड स्किन को एक्सफोलिएट करना, स्किन पर से रिमूव करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन पर डेड स्किन की लेयर जमा हो जाए और आप क्रीम्स पे क्रीम्स लगाते जाओ तो आपको पिंपल्स का इशू आ सकता है, इसलिए स्क्रब करना फेस को या एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी सेंट कमाल थी, आप देख सकते हो मेरे एक्सप्रेशन के साथ। स्क्रब जो है हमेशा हफ्ते में सिर्फ एक बार या दो बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एजिंग साइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार यूज़ करें फॉर स्मूथ रेडियंट स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तो भी आप स्क्रब ज़रूर यूज़ करें, ऑयली स्किन के लिए तो बेहतरीन है। ठीक है, आपने थोड़ा सा लेना है, स्किन पर इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मेरी तरह बहुत इसको इस तरह से मसाज करें, बहुत पागलों की तरह जल्दी जल्दी वाला मसाज नहीं करना, वो आपकी स्किन पर रैश बना सकता है। स्क्रब यूज़ करने से आपके पोर्स अनक्लॉग होते हैं, आपकी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है, और इसमें एप्रिकॉट और पपाया सीड्स हैं जो कि आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं। सो एक दो मिनट के लिए मसाज करने के बाद आपने वॉश करना है एंड यू विल फील द चेंज इन योर स्किन खुद ही। सो अब बात करते हैं गो फॉर ग्लो की मसाज क्रीम की, जो कि फोर्थ स्टेप है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ, लेकिन आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। इसको फॉलो करने से आपकी स्किन स्मूथ हो जानी है एंड मज़े की बात आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाती है, ल्यूमिनस हो जाती है, ग्लोई एंड रेडियंट दिखती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है ये स्टेप। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ज़रूर फॉलो करें ये वाला स्टेप। सो इसके इंग्रेडिएंट्स में हनी और आलमंड बटर पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और स्मूथ बना देता है। अगेन यू विल गेट 200 ग्राम इस बड़ी सी ट्यूब में एंड इसकी कंसिस्टेंसी इज़ सुपर क्रीमी। अगर आप इसको फेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैं, तो आप इसे हाथों और पैरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको अपने हाथों के लिए यूज़ करूँगी एंड यू विल सी द रिज़ल्ट इंस्टेंट। माई हैंड फील्स सो स्मूथ एंड सॉफ्ट इसको यूज़ करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है गो फॉर ग्लो का क्ले मास्क। इसको आपने लगाना है, ये कम्प्लीटली ड्राई बिल्कुल नहीं होता, 15 to 20 मिनट्स आप इसको अपनी स्किन पर लगे रहने दें और फिर वॉश कर लें। ये इतना ठंडा फील होता है आपकी स्किन पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका टेक्सचर जो है बहुत ही सुपर क्रीमी है और इसमें जो है ना नेचुरल कॉम्प्लेक्शन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, जैसे कि विटामिन सी एंड ई एंड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और स्किन को इवन टोन में लाता है। वैसे भी आपको पता होगा कि विटामिन सी जो है वो स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हमेशा कोशिश करें कि फेशियल जब आप करें तो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं, उससे आपको फ्रिकल्स का इशू हो सकता है, सन को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इस मास्क को आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को इवन टोन में लाता है। यू कैन सी कि इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। सो आपने 5 मिनट बाद जो है वो इसको वॉश कर देना है, आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड ग्लोई नज़र आनी है। So you can clearly see the results. So next step है Go for Glow का aloe vera and cucumber gel toner. So अनाबिया, आप सबको सलाम कहते हुए, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने फेस वॉश करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो और इसके ऊपर कोई भी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी एलोवेरा की तरह है, बट इसमें है क्यूकम्बर भी, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को इवन आउट करता है एंड इट सूथ्स योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो आपने थोड़ा सा लेना है और जेंटली इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। आप इसको हाथों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इवन पैरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो ग्लो चेक करें, जो कि इस फेशियल किट से मुझे मिली है। मेरी स्किन बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गई है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर का फेशियल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करी हुई है, गो फॉर ग्लो का नेचुरल
वाइट फ्लूइड SPF है इसमें 30 PA++++। सो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, सुबह में भी रात में भी, और इसमें SPF है तो सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। सो इसमें यू विल गेट 125 ml ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत लाइट वेट और क्रीमी है, जेंटली मसाज करने पर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता, आपकी स्किन को इवन टोन में लाता है। रेगुलर यूज़ करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। इसमें है विटामिन B3 जो कि डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करता है और आपकी स्किन को इवन टोन में लाता है, ब्राइटन अप करता है। सो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली और इसको अपनी पूरी स्किन पर अप्लाई किया, इवन कि मैंने अपने हाथों पर अप्लाई किया क्योंकि सर्दी की वजह से हाथ बहुत डल और डार्क हो जाते हैं, तो मेक श्योर आप हाथों की भी केयर करो। तो मैंने इस क्रीम को हाथों पर भी अप्लाई किया एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। आप बाकी रिव्यूज़ वगैरह भी देख लीजिए, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन अगर आपको कोई भी शक व शुबा हो, दिल में कोई मलाल या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप ब्रांड से पूछ सकते हो। वैसे तो आई लव इट। वैसे तो नॉर्मली मेरी शॉर्ट सी स्किन केयर रूटीन होती है जिसमें मैं SPF लगाती हूँ एंड सीरम क्रीम वगैरह, और उसके बाद जो है कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सो भाई कपड़े हो गए चेंज, इसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद अनाबिया उठ गई, अनाबिया को थोड़ा बहुत खेलने दिया और फिर उसको मैं वॉक पे ले गई बाहर। अमूमन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत सुबह में वॉक करूँ और रात में वॉक करूँ, तो सुबह वाली वॉक हो गई। उम्मीद है कि भाई ये छोटी सी मॉर्निंग रूटीन जो है मेरी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो डू लेट मी नो एंड टेक केयर। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।